कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में जल्द से जल्द विभिन्न जिलों में 7 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की क्षमता को भी दोगुना किया जाएगा। वर्तमान समय में प्रदेश के 1650 के लगभग बेड की क्षमता विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है, जिसे लगभग 3000 तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बयान दिया है। हमने ऑक्सीजन के 7 प्लांट जो धर्मशाला, हमीरपुर, चंबा, नाहन और मंडी ये स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें काम कुछ जगह पूरा हो गया, कुछ जगह थोड़ी कमी अगर रही है तो उसको भी तुरंत पूरा करने के लिए कह दिया है। ये ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है सारे इसमें, इस दौर में, इस वायरस के इस दौर में, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। हमको अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लान करना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 1650 के लगभग जो है वो बेड कैपेसिटी अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हमको ये लग रहा है कि हमको इसको तुरंत जो है बढ़ा करके जो है वो 2000 और 3000 तक इसको प्लान करना चाहिए, उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला, मंडी, नाहन और चंबा में ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही स्थापित किए जाएंगे और इन्हें चालू कर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सुविधाओं को प्रदेश भर में अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी संतोष जताया है कि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में सप्लाई चेन पूरी तरह से व्यवस्थित है। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।